आपको बताएं कि डॉक्टर उज़्मा के शौहर ताहिर अली ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है। हाँ, ज़ाहरी बात है, आप लोगों ने भी देखा कि चक्कर तो खुशी से नहीं आती, और उस वक्त जब उसने मुलाकात से इनकार किया तो उसी वक्त वो उसके उस पर चक्कर आ गई है और नीचे गिर पड़ी। अगर किसी ताहिर अली की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहजा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय शहरी डॉक्टर उज़्मा का भारत जाने की इजाज़त दे दी है, और आपको बताएं कि इजाज़त दिए जाने के बाद ताहिर अली ने अदालत के बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की है। कुछ देर पहले उज़्मा के शौहर ने दावेदार ताहिर अली ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उसका क्या कहना था आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। हाँ, ज़ाहरी बात है, आप लोगों ने भी देखा कि चक्कर तो खुशी से नहीं आती, और उस वक्त जब उसने मुलाकात से इनकार किया तो उसी वक्त वो उसके उस पर चक्कर आ गई है और नीचे गिर पड़ी। अगर किसी उज़्मा के शौहर की गुफ्तगू आपने सुनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस हवाले से केस की समाप्त होना थी। हाई कोर्ट की जानिब से उज़्मा और उसके शौहर को आज अदालत में तलब किया गया था। उज़्मा के वकील की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि उसकी बेटी को थैलेसीमिया है और वो अपनी बेटी की इयादत के लिए जाना चाहती है अपने मुल्क वापस, लिहाजा उसे वापस भेजा जाए, जिस पर अदालत की जानिब से आज फैसला सुनाया गया कि उज़्मा अपने वतन वापस जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय शहरी डॉक्टर उज़्मा को भारत जाने की इजाजत दे दी है। कुछ देर पहले उज़्मा के शोहर होने के दावेदार ताहिर अली ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। हाँ, ज़ाहरी बात है, आप लोगों ने भी देखा कि चक्कर तो खुशी से नहीं आती, और उस वक्त जब उसने मुलाकात से इनकार किया तो उसी वक्त वो उसके उस पर चक्कर आ गई है और नीचे गिर पड़ी। अगर किसी